उन्माद कैसे आता है? हेमंत बिस्वा शर्मा के भाषणों से ही तो उन्माद हुआ। जब मुख्यमंत्री या इतना बड़ा नेता इस तरह की बातें करने लगेगा तो उसका जो नीचे स्तर पर संदेश जाएगा गुप्ता जी, वो आपको मतलब ऐसा काम करने के लिए उकसाता है। हो सकता है उनके थोड़े बहुत मन में हो क्योंकि भाई वो ऐसा बोलते रहे हैं, और तब जांच के बाद ही पता चलेगा क्या अलग तत्व थे कौन थे। लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे अगर एक जो मैं समझ रखता हूँ, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि हेमंत बिस्वा शर्मा के भाषण की वजह से ऐसा हुआ। मीटिंग एक हो चुकी है और उसमें राम गोपाल यादव जब बाहर निकले थे, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक एक दिन कीमती है और जो उस दिनों को खो रहे हैं। हालांकि ये कहना कि भाई राहुल गांधी नया यात्रा पर गए वो इस समय यहाँ लगते, उससे मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि पार्टी की अधिकृत कमान खड़गे के हाथ में है, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, तो वो चाहे तो सारी बैठ के और इसको गति प्रदान कर सकते हैं, शीट शेयरिंग के मसले को, दूसरी बातों को, और जो मतभेद बंगाल के आपने बताया कि उन्होंने कर दिया, उसके लिए राहुल गांधी ने अधीर रंजन को शायद समझाया है या डांटा है कि भाई एक हद में रहकर बात करनी है और उनकी आलोचना ऐसी नहीं करनी जो रबड़ इतना खींचे कि भाई टूटे ना, तो वही बातें हैं, उनको समझाया गया है। तो मुझे लगता है चीजें ठीक चल रही है, पर हाँ लेट बहुत है और एक एक दिन इंडिया गठबंधन के लिए बहुत कीमती है, उनको ये कार्रवाई जितना जल्दी करेंगे उतनी मजबूत चुनौती पेश कर पाए। सर मेरा सवाल आपसे यही है, पुष्पेंद्र जी ने भी इसी बात को उठाया और इसपे मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। कहा जाता है कि बीजेपी एक चुनावी मशीनरी एक तरह काम करती है और वो बहुत ही वेल ऑयल्ड मशीन है, मतलब उसमें इतनी तेजी से काम होता है, प्रचार प्रसार के लिए रैलियां तो एक तरफ होती हैं, सोशल मीडिया कैंपेन अलग होते हैं, मीडिया में जिस तरह से प्रचार प्रसार होता है वो अलग है, और ग्राउंड पे जितनी तेजी से काम हो रहा है, राम मंदिर का मुद्दा भी अब उनके पास है, अब इसका मुकाबला आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कैसे कर पाएंगे? आप रोड के जरिए चल रहे हैं, वो 22 तारीख के बाद से ये खबर आ रही है कि वो लगभग 150 रैलियां करेंगे मोदी जी, हेलीकॉप्टर से एक एक दिन में मल्टीपल जिलों को कवर करेंगे। सर ऐसी स्थिति में आखिर बीजेपी की चुनावी मशीनरी, और अभी तक अगर आप ये अभी तक कांग्रेस की जिम्मेदारी है, अगर बड़े भाई के रूप में इंडिया गठबंधन में, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी होती है कि जल्द से जल्द गठबंधन फाइनल हो, मुद्दे कंप्लीट हो, ताकि जनता के बीच क्लियर हो जाए कहां पे किन मुद्दों को लेकर उनको वोट देना है और चूज करें अपने कैंडिडेट्स को। कार्तिकेय जी, आकाश जी, आपके प्रश्न में आपने बोला है कि प्रचार प्रसार लगती है, तो बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार पिछले 10 सालों से लगातार किस तरीके से हो रहा है वो हम सब ने देखा है। ये प्रचार प्रसार तक ही सीमित रहने वाली पार्टी और ये वही कर रही है, इसमें कोई अंतर की बात नहीं। पर रही बात अभी एक चीज से मैं सहमत नहीं हूँ पुष्पेंद्र जी की, बाकी सारी बातें सही है। देखिए 2007 में अगर मैं यूपी विधानसभा के चुनाव की बात करूं तो हमको लगभग 8.5% का वोट मिला था और हमारी जो सीटें आई थी 22 सीटें आई थी विधानसभा के चुनाव में। वहीं 2009 में अगर हम आते हैं तो वो लोकसभा में हमें 21 सीटें मिलती। तो लोकसभा के मुद्दे हमेशा बहुत बड़े होते हैं और क्षेत्रीय समस्याओं से अलग होते हैं, और किस तरीके से संस्थाओं का और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव लड़ा था उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो ये जो न्याय यात्रा है इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे जो उठाए नहीं जा रहे हैं, इसलिए जनता स्वयं उस यात्रा में आके जुड़ रही है और मुद्दों को उठा रहे, वही तो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होना चाहिए। क्या मुद्दों किस मुद्दे पे लड़ने जा रहे हैं? क्या आपने भगवान राम को, किसी की धार्मिक आस्था को क्या भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बना लिया है? भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे लिए मुद्दा है, तो कांग्रेस के लिए अन्य जो हमारे सहयोगी दल, उनके लिए राम या भगवान राम और मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा युवाओं का भविष्य है, मुद्दा है कि आप सरकारी नौकरियां कितनी दे पा रहे हैं, मुद्दा है कि आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले कितनी बात कर पा रहे हैं, मुद्दा आप लगातार किसानों की आप हत्याएं हो रही है उस पर क्या कर पा रहे हैं, किसानों की लागत जो एक खेती में लगती है वो लगातार बढ़ रही है उसके बारे में क्या कर पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आप क्या कर रहे हैं, म्यांमार किस तरीके से मिजोरम में म्यांमार की जो सेना है वो शरण मांग रही है उसके बारे में आपकी क्या व्यवस्था है, आप लक्षद्वीप में घूमने जाते हो और मालदीव से रिश्ते खराब करके चले आते हो, चीजें ईरान पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी स्थिति में अपने आप को कैसे देखते हो, ये तमाम चीजें जिसका जवाब दे जाता है। आप पुलवामा में 5 सालों में क्या कार्रवाई कर पाए, उस पर क्या परिणाम हुआ, किसानों के एमएसपी की बात की उस पर आप क्यों नहीं बात कर पाए, कोरोना में इतने लोगों की बहुत हुई थी उसमें किसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करी, ये बहुत बड़े और बहुत गंभीर मुद्दे हैं। किस तरीके से आपके असम में हमने प्रशासन की बात करी, आपने उस तरीके से देख लिया किस तरीके से खुले में लोग जय श्री राम नारे लगा के इस तरह कृत्य कर रहे हैं, तो ये सारे मुद्दे हैं। और इसमें ये सोचना के लिए गठबंधन तो क्लियर है, गठबंधन के उन्हीं नेताओं की मीटिंग हो रही है तो गठबंधन में वही रहने वाले, तो देश के सामने राज्य के जो पार्टियां हैं क्षेत्रीय पार्टी है उनको भी पता है भाई गठबंधन किसके साथ। हाँ ये है कि कौन कितनी सीट पे कहाँ पे लड़ने वाला है ये चीज, तो इसमें थोड़ा तो समय लग ही सकता है ना, कि सबकी विषय अलग होते हैं, सबकी समस्याएं अलग होती हैं, सबके उस चीजों को लेकर के सोल्यूशन अलग होते हैं, तो उसमें समय लग सकता है। लेकिन गठबंधन को किंतु परंतु की बात ही नहीं है उसमें, ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि जो कुछ सरकार में है, पिछले 10 सालों से सरकार में है, उनके जो पूर्ववर्ती जो गठबंधन के साथी थे उनको लगातार छोड़ रहे हैं,
छोटी छोटी आप छोटी छोटी पार्टियां को ढूंढ के लानी पड़ रही है, देखो भाई हमारे साथ भी इतनी पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना चाहिए था ना। अभी राम कुमार गुप्ता इससे पूछ लेते हैं कि भाई यूपी में, आप यूपी में बता दे, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे अपने आपको सबसे मजबूत मानते हैं, निषाद पार्टी को आप कितनी सीट देने वाले हो, ओपी राजभर को कितनी सीट देने वाले हो, अपना दल सेक्युलर को कितनी सीट देने वाले हो, तो उस पर चुप हो जाएंगे। तो ये सवाल हमसे नहीं बनता है, हम तो जो प्रश्न उठा रहे हैं, तो न्याय यात्रा में जो प्रश्न उठा रहे हैं जिनके न्याय की बात कर रहे हैं, आप बताइए कि हम भाई गलत कह रहे हैं। आप बोल दिए कि भाई हमने कहते रेलवे में लाखों पद खाली तो हमने लाखों पद निकाल दिए, हम चुप हो जाते हैं। आप बोल दिए कि हमने मणिपुर में न्याय कर दिया है, बिल्किस बानो के साथ हमने गलत नहीं किया था, हम चुप हो जाते हैं। महिलाओं को आप कह दिए किसानों को हम इतना एमएसपी दे रहे हैं, हम चुप हो जाते हैं। आप मान लीजिए कि 700 किसानों की शहादत देखिए तो हम चुप हो जाते हैं। तो आप वो व्यवस्थाएं तो करिए कि आप प्रश्न ना उठाया जाए। आप ना आंकड़ों पर बात कर पाते हैं, ना तथ्यों पर बात कर पाते हैं। आप जो मैनिफेस्टो में जितनी चीजें लगे, चाहे 2014 की थी चाहे 2019 की थी, उस पर आप बात नहीं करते। प्रश्न तो आपको उसी बात में पूछा जाएगा ना। हम थोड़ी ना आपको जरा धार्मिक आस्थाओं में के भावनाओं की बात करके वोट पाने जा रहे हैं, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। और उसमें ये बात नहीं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, इसमें देश की देश का लोकतंत्र तो देश के लोग मजबूत होंगे, क्योंकि जो सारी मैं कह रहा हूँ सारी चाहे भले कांग्रेस पार्टी चाहे भाजपा चाहे कोई भी क्षेत्रीय पलट आकाश जी, एक सरकार में रहते हुए और एक राजनीतिक पार्टी के रूप में आपका उद्देश्य होता है कि जो प्रस्ताव में लिखा हुआ है, चाहे वो जस्टिस की बात करी गई हो, चाहे वो लिबर्टी की बात करी, चाहे इक्वलिटी की बात करी, चाहे फ्रेटर्निटी की बात करी, आप उसको सुनिश्चित कर पाए। आप एक कल्याणकारी समाज है तो आप उसको सरकार कल्याणकारी सरकार है तो आप वो चीजें सुनिश्चित कर पाए। अगर आप कोई भी कल को हम सरकार में आते हैं और अगर हम उन चीजों पे काम नहीं कर पाते तो प्रश्न हमसे पूछने चाहिए। हमको ताल बटोल के दाहिने बाएं से घूमना नहीं देना चाहिए आपको। तो एक नागरिक के रूप में और एक विपक्षी पार्टी के रूप में हमको ये सवाल इसे पूछना चाहिए और हम पूछ रहे हैं इसी न्याय यात्रा के माध्यम से, ताकि 2024 में जो गंभीर मुद्दे जो समस्याएं हैं उनके लिए आपने क्या किया अभी तक, उस पर भारतीय जनता पार्टी आता है। जी हाँ जी, आपको आखिर क्या लगता है, क्या बीजेपी सच में ऐसा काम कर रही है कि उसे कोई भी, जैसे अभी कार्तिक जी ने बताया लगातार कई मुद्दे गिना दिए, उस पर जवाब देने के बजाय वो सीधे से मुद्दा टर्न कर देती है? वही सेम सवाल है सर कि क्या मुद्दे से भटकाने का काम करती है, और अगर ये कर रही तो क्या वो बहुत बखूबी तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि विपक्ष के मुद्दे इस समय बेसिकली देखा जाए तो सबसे ज्यादा कांग्रेस की जो हाईलाइट करा पा रही है, लेकिन बीजेपी के जो उसकी जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट्स है वो आज बच्चे बच्चे के जवान पर, चुनाव आते आते किसका तरीका ज्यादा कारगर साबित होगा, ये न्याय यात्रा के जरिए ज्यादा लोगों तक पहुंच बन सकती है या फिर जो बीजेपी का राम मंदिर मुद्दा चल रहा है उसके जरिए ज्यादा आसानी से लोगों तक पहुंच बन सकती है? पुष्पेंद्र शर्मा जी, आकाश इसका तो जवाब बहुत मिश्रित हो सकता है। लॉट ऑफ टाइम वी हैव डिस्कस्ड कि भाई प्रचार में वो आ गए, अब उसे कार्तिक जिस भी रूप में ले, लेकिन असलियत ये है कि चाहे वो सोशल मीडिया रहा हो या कुछ भी रहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने उसका पूरा दोहन किया जितना दोहन हो सकता है, और ये तो जायज है, ये तो युद्ध में जायज है, हर एक चीज जायज है, इसमें उनका अपराध क्या माने। और जितने सबसे बड़ी बात ये है जो कार्तिकेय को शायद थोड़ी सी वैसी लगेगी, वहां पर एक सुर में बोलते हैं लोग, आकाश एक नैरेटिव तय होता है और ऊपर से नीचे तक एक ही बात कही जाती है, जबकि यहाँ पर हमने एक मुद्दे पर नहीं सब बहुत से मुद्दों पर देखा कि विपक्ष के जो बड़े नेता हैं और जो मतलब जिलों में या और पदाधिकारी हैं उनकी बातों में अंतर आ जाता था, यानी कि आपस का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग नहीं होता और ये कम्युनिकेशन का जमाना है, तो नैरेटिव सेट करने के लिए एक सुर में तो बोलना होता है ना। अब अगर हम अयोध्या वाले पे देखें तो उसमें अलग अलग है। अब आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं कि साहब आपने न्योता ठुकराया क्यों, आप ये लिखते कि बहुत धन्यवाद आपने दिया और हम कभी आ जाएंगे, इधर से अजर आए और वो वहां पे चले भी जाते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन्स है ये कम्युनिकेशन की तो कमी है ना भाई। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी कम्युनिकेशन का, अपने कम्युनिकेशन सेल का फायदा उठाती है तो इसके लिए उन पे मैं कोई अपराध तो मर नहीं दूंगा। जो आज के हालात है थोड़ा सा कांग्रेस एक्टिव हुई है, सोशल मीडिया पे आईटी सेल भी उनका काम कर रही है, लेकिन अगर कंपेयर करने लगे एज एन इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट मैं बीजेपी का हूँ ना मैं कांग्रेस का हूँ, तो अभी भी मीलों पीछे है। हाँ संसाधनों की भी कमी होगी, लेकिन आपकी चुनौती तो तभी होती है, आपकी जीतना तो तभी है जब चुनौतियों में और कम साधनों में जीत कर दिखाए। तो आप कम से कम अपने इस तरह का प्रोपेगेंडा जो भी आपको बात करनी है उसको जमीन तक तो लेके जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि समय इतना कम बचा है कि अगर आप मुद्दे और नैरेटिव बना भी लेते हैं तो क्या उसे जनता तक आप समय पर पहुंचा पाएंगे? चुनाव तो बहुत नजदीक है। तो ये सारी बातें हैं जो बीजेपी को थोड़ा सा एज देती है। मैं ये नहीं कहता कि कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा, पर अगर उनका पलड़ा भारी दिखाई देता है आकाश, ये कहना चाहूंगा।
बस मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए आकाश जी, जब झूठ बोलना होता है तो इस तरीके का झूठ बोला जाता है, सत्य को मानने के और बोलने के अपने अपने तरीके होते हैं लोगों को, तो इसलिए शायद कभी कभी लग जाता है कांग्रेस पार्टी के लोग अलग सुर में बोल रहे हैं। और रही बात की राम मंदिर के ऊपर, अगर मैं सतपाल मलिक जी की बात को कोट करूं, वो भारतीय जनता पार्टी में थे, वहीं से गवर्नर हुए, सांसद हुए, मंत्री भी रहे, सुब्रमण्यम स्वामी तो क्या कुछ बोल रहे लगातार उनकी बातें की, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी में सांसद रहे, मंत्री रहे, तो उसके बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछता है। यही दिक्कत है कि बात जो है वो कांग्रेस पार्टी में एक सच्चाई को अलग अलग तरीके से सवाल उठाने कही जाती है। कांग्रेस पार्टी ने इसी मंदिर के बारे में बोला, अजय राय जी और तमाम समर्थक गए भी सरयू नदी का स्नान के रामलला के दर्शन भी करें, तो इस निमंत्रण को हमने ठुकराया, इसलिए मुझे बार बार इस बात की सफाई देनी पड़ी। तो बिल्कुल ये एक पुष्पेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि साधनों की हमारी लड़ाई सिर्फ एक पार्टी से नहीं है, एक विचारधारा जो देश को नफरत में और एक दूसरे में भटकाव में अलगाव में बांटना चाहती है उसके खिलाफ है। संस्थाओं को किस तरीके से अपने हाथ में ले रखा है, पूरी तरह से संस्थाओं को, उसके खिलाफ है। एक मीडिया का एक वर्ग जिसके मुंह से प्रधानमंत्री पे एक शब्द नहीं निकलता है, जो अपने मुंह से कभी बोलता नहीं है, प्रधानमंत्री का कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता है, उनको इसकी इनको डेटा कहीं भ्रष्टाचार उजागर होता है, तो लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता के रूप में खेलने लगते हैं। बहुत सारे मीडिया के वर्ग हैं, आप जैसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको हम आज के समय में बड़े सफाई से कह सकते हो आकाश जी की उंगलियों पे गिना जा सकता है, जो इतना समय देते हैं विपक्ष को अपनी बातों को रखने के लिए, स्पष्टता के साथ डिबेट को होने देते हैं, वरना किसी डिबेट में आप देखिए किसी विपक्ष के नेता को पूरी बात रखने का मौका दिया जाता हो, राजनीतिक विश्लेषक भी उसी सवाल पूछेगा विपक्ष से ही, आपका जो प्रवक्ता होगा वो भी सवाल पूछता है, और जो डिबेट में एंकर बैठा होता है वो भी सवाल पूछता है। तो आपके लिए उसके लिए आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और इसीलिए मैंने कहा कि हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है काशी। एक तरफ मैं अगर सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करूं तो पिछले 5 सालों में 5300 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा के पास 5300 करोड़ रुपए का फंड आया है, और उसके अन्य जो माध्यम का फंड आया वो 4700 करोड़, ये करीबन 10,000 करोड़ के लगभग हो जाता है, और हमारे पास 900 करोड़ रुपए। इसलिए आपने अपने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न बोला था, उसमें बोला था कि करीबन लगातार हवाई जहाजों से यात्राओं पर निकलने वाले मोदी जी, तो यात्रा चली रही है 10 साल से। आपने देखिए किसी भी बड़े मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी ने आके बोला, सिर्फ और सिर्फ चुनावी समय में रैलियों में सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी होती है, रैलियों में बातें होती है, उसके ग्राउंड में कोई कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। अगर ये लोग इतने अच्छे होते, सोशल ऑडिट की बात कर रहे होते, कितनी स्कीमें हमारे तक पहुंच गई हैं, आप आंकड़ों पे आप इनके खुद के ही प्रश्न उठे आते हैं, इनके जो आंकड़े संसद में आते हैं और ये बाहर आकर इनके प्रवक्ता इनके नेता बोलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नीति और एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती है काशी।